नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारा YouTube चैनल खुशबू टेक में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कम्युनिटी टैब के बारे में बताऊंगी। जैसे कि कम्युनिटी टैब क्या है, आपको ये कम्युनिटी टैब आपका चैनल पे कैसे मिल सकती है और आप कम्युनिटी टैब पे पोस्ट कैसे डाल सकते हैं, साथ में पोस्ट कैसे बनाया जाता है, सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए अब बात करते हैं ये कम्युनिटी टैब क्या है। तो देखिए, कम्युनिटी टैब एक आपको आपका चैनल पे देखेंगे तो सबसे पहले आपको होम करके दिखाएगा, ऑल करके, होम करके, प्लेलिस्ट, और उसके बाद वहाँ पे कम्युनिटी का एक ऑप्शन आ रहता है। तब जाके आपको अबाउट का वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा लास्ट में, जिसमें हम आपका डिटेल्स लिखा हुआ रहता है और आपका चैनल के बारे में कितना व्यूज आया है, ये सारा कुछ रहता है अबाउट में। और उससे पहले कम्युनिटी टैब का ऑप्शन रहता है। तो वही कम्युनिटी टैब अगर आप स्टार्टिंग में चैनल स्टार्ट किए हैं तब वहाँ पे वो कम्युनिटी टैब का ऑप्शन नहीं रहता है। अब बात करते हैं वो कम्युनिटी टैब आपको कैसे मिल सकती है। तो देखिए, आप अगर यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए हैं और वीडियो अपना बना रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, उसके बाद आपका जैसे ही आपका चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होगा, उसके बाद आपको अपने आप कम्युनिटी टैब का ऑप्शन आ जाएगा। और ये एक सप्ताह का टाइम लगता है या फिर 10 दिन भी लग जाता है। उसके बाद आपको अपना चैनल पे अगर कम्युनिटी टैब का ऑप्शन नहीं आया है तो आपको यूट्यूब पे मेल भी करना पड़ता है। इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा या फिर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके उसको देख सकते हैं कि आपको मेल कैसे करना है यूट्यूब को। तो चलिए अब बात करते हैं आपको ये कम्युनिटी टैब कैसे मिलेगी। तो देखिए, जैसे ही आपका चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होगा उसके बाद अपने आप आपका चैनल पे कम्युनिटी टैब आ जाएगा। और उसके बाद क्या करना है कि हमें वहां पे वीडियो, मतलब कि कोई भी आपको वीडियो आने वाला रहता है या फिर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं अपना ऑडियंस से, तो आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। लोग वहाँ पे वोट करते हैं या फिर लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, और वहाँ पे हम लिंक भी शेयर करते हैं, कोई भी पोस्ट बना देते हैं और पोस्टर वहाँ पे लगा के और ऊपर लिंक दे देते हैं, और पोस्ट में हम लिख देते हैं कि अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो वहाँ जाके वो वीडियो इस लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो इसी तरह कम्युनिटी टैब पे आप पोस्ट बना सकते हैं, डाल सकते हैं, और इसका इससे आपका चैनल भी ग्रो होगा, क्योंकि पोस्ट जब हम अपना चैनल पे डालते हैं तो क्या, जो भी आपका ऑडियंस है वो अगर YouTube पे वीडियो देखते हैं तो वहाँ पे नीचे आपको पोस्ट भी दिखाता है, और अगर उनको आपका वीडियो पसंद आता है, पोस्ट अच्छा लगता है, तो ज़रूर वो आपका YouTube जो लिंक वहाँ पे दिए रहते हैं उस लिंक पे क्लिक करके आपका वीडियो देखते हैं। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि कम्युनिटी टैब क्या है और आपको अपना चैनल पे कम्युनिटी टैब कैसे मिलती है, ये सारा कुछ आप समझ ही गए होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं और अब अपना मोबाइल के स्क्रीन पे करके दिखाऊंगी कि कम्युनिटी टैब के लिए जो पोस्ट बनाते हैं वो हम कैसे बनाते हैं और अपना चैनल पे कम्युनिटी टैब कैसे डालते हैं, मतलब कि कम्युनिटी टैब पोस्ट कैसे करते हैं, ये मैं अपना मोबाइल के स्क्रीन पे करके दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपना मोबाइल के स्क्रीन पे। यहाँ पे हम सबसे पहले पिक्सल लैब ओपन करेंगे। अगर आपके पास पिक्सल लैब नहीं है तो डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आप यहां से थंबनेल भी बना सकते हैं। अगर आप यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाते हैं तो पिक्सल लैब बेस्ट ऐप है, आप यहां से भी थंबनेल बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पिक्सल लैब ओपन कर लेना है, आपके पास नहीं है तो प्लीज़ डाउनलोड कर ले इसको। उसके बाद आप जैसे ही इसको ओपन करेंगे इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, तो देखिए न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आपको ये न्यू टेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो देखिए बॉक्स जैसा आ गया। अब आपको क्या करना है कि देखिए ऊपर देखेंगे साइड में, तो सबसे पहले पेंसिल का आइकन है और एक डिलीट का ऑप्शन एक मिला हुआ है, तो डिलीट का ऑप्शन भी आपको इस तरह क्लिक करना है और इसको डिलीट कर देना है। उसके बाद देखिए पूरा प्लेन हो गया है। तो आपको क्या करना है कि साइड में ऊपर राइट हैंड में देखेंगे तो यहाँ पे थ्री डॉट है, तो थ्री डॉट पे आपको सबसे पहले क्लिक करना है। जैसे ही थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे कि यूज इमेज फ्रॉम गैलरी, फुल स्क्रीन, यूज इमेज फ्रॉम कैमरा, एक्सपोर्ट इमेज, इमेज साइज। तो आपको इमेज साइज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए रेशियो एस्पेक्ट 1.1 यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रेजेंट कस्टम लिखा हुआ है, तो आपको कस्टम के ठीक आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पे डॉट है, तो आपको उसी डॉट पे क्लिक करना है। क्लिक
करने के बाद देखिए कस्टम स्क्वायर प्रोफाइल पिक्चर यूट्यूब चैनल बैनर। अगर आप यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाते हैं तो यूट्यूब चैनल बैनर पर क्लिक करेंगे तो आपका सबसे बेस्ट थंबनेल बनेगा। तो अभी फिलहाल हम कम्युनिटी टैब के लिए पोस्ट बना रहे हैं, तो आपको स्क्वायर पर क्लिक करना है। जैसे कि कस्टम के नीचे सेकेंड वाला ऑप्शन स्क्वायर का दिख रहा है तो आपको उसी पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखिए पूरा फुल स्क्रीन आ गया है। अगर आप ये साइज कम्युनिटी टैब पे पोस्ट करेंगे तो ये बेस्ट साइज रहेगा आपका, वहाँ पे कुछ भी मतलब कि जो भी आप पोस्ट करेंगे वो क्लियरली लोगों को दिखाई देगा। तो आप ये हो गया, उसके बाद आपको नीचे देखेंगे तो सर्कल का ऑप्शन है, उसके बाद ए है, उसके बाद फिर देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फोर्थ वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कलर का एक ऑप्शन मिलेगा सबसे फर्स्ट में, तो यहाँ पे एक कलर वाला पे क्लिक करके आप यहाँ पे कुछ भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रही हूँ, देखिए यहाँ पे ब्लैक भी सेलेक्ट कर सकते हैं, व्हाइट सेलेक्ट कर सकते हैं, रेड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे ब्लैक ही सेलेक्ट कर सकती हूँ, कर रही हूँ। आप अगर दूसरा कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और देखिए आप अगर पोस्ट बना रहे हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट का ही ज़्यादा यूज करें, क्योंकि ये मतलब कि देखने में सही लगता है, तो ब्लैक एंड व्हाइट का ज़्यादा यूज करें। उसके बाद देखिए कलर सेलेक्ट हो गया है, उसके बाद हम ओके कर देंगे और यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे ऊपर क्लिक करेंगे। सबसे ऊपर देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो प्लस का ऑप्शन है, उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट करेंट डेट स्टिकर सेप्स फ्रॉम गैलरी है, तो फ्रॉम गैलरी पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका गैलरी में जो भी आप थंबनेल बना के रखे हैं वो थंबनेल आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे गैलरी में जाती हूँ और गैलरी से एक फ़ोटो जो भी मैंने थंबनेल बना के रखा है उसको मैं सेलेक्ट कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे थंबनेल मेरा, मैं ये कल वीडियो मैंने ये वीडियो अपलोड किया था रिमूव कॉपीराइट क्लेम, अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो देखिए ये थंबनेल को आप क्लिक करके यहाँ पे ओके करेंगे और यहाँ पे लाके इसको बीच में इस तरह छोड़ देंगे और इसको साइज आप यहाँ पे जाएंगे इमेज साइज पे, तो यहाँ पे ए पे आके और ए वाला के साइड में एक ऑप्शन देखेंगे उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे रिलेटिव साइज का ऑप्शन है तो आप इसका साइज इस तरह बड़ा कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह इसका साइज है, आप जितना मन हो उतना रख सकते हैं इस तरह। तो मैं देखिए यहाँ पे फुल में कर रही हूँ, जैसे कि इसका और बड़ा थोड़ा कर रही हूँ। यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे सेट कर देना है लाके इस तरह कि दोनों साइड में ये पूरा सेट हो जाए, तो इस तरह आपको सेट करना है और इसको थोड़ा नीचे लाके इस तरह छोड़ देना है, थोड़ा सा नीचे ब्लैक कलर का रहने दे ताकि देखने में अच्छा लगे। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है और टेक्स्ट का एक ऑप्शन है तो टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे डबल टैप करना है। जैसे कि यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे प्लस वाला आइकन क्लिक करेंगे आप फिर से समझ लीजिए, और उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये न्यू टेक्स्ट करके यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा तो इसको इस पर आपको डबल टैप करना है। जैसे डबल टैप मैंने कर दिया उसके बाद आपको इसको बैक कर देना है और आप जो भी लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक हेयर लिख रही हूँ, सी कैपिटल एल हेयर, तो देखिए मैं यहाँ पे क्लिक हेयर लिखी हूँ और इसको मैं यहाँ से साइज बड़ा कर रही हूँ। तो ए पे आके आप इसको साइज का ऑप्शन मिलेगा तो साइज पे इस तरह साइज इसको बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद आप इसका जो भी लिखा हुआ है उसको आप चेंज करना चाहते हैं इसका फॉन्ट, तो आप यहाँ पे फॉन्ट पे आना है। जैसे यहाँ पे ए पे आके नीचे और उसके बाद फॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा तो फॉन्ट पे ही आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ से जो भी राइटिंग अच्छा लगता है वो राइटिंग आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे ये राइटिंग सेलेक्ट की हूँ और उसके बाद आपको साइज जितना बड़ा रखना चाहते हैं, जितना आपको अच्छा लगे मतलब कि देखने में अच्छा लगे उसी तरीके से आप इसको इस तरह करें। तो देखिए मैं यहाँ पे व्हाइट कलर का इस तरह डाल दी हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप स्टिकर लगाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, प्लस वाला आइकन पे जाके टेक्स्ट पे जाके न्यू टेक्स्ट पे जाके उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे जहाँ से आप टाइपिंग करते हैं वहीं पे एक स्माइल करके एक ऑप्शन मिलता है, वहीं से आप यहाँ पे स्टिकर भी जो भी अच्छा लगे, जैसे कि कुछ दिखाने के लिए ऊपर हम ऐसे करते हैं यहाँ क्लिक करो तो देखिए तो ये वाला है, मैं यहाँ पर दो तीन लगा रही हूँ। उसके बाद आपको ओके कर देना है और यहीं पे साइड में इसको सेट कर देना है। तो देखिए पांच यहाँ पे मैंने ये लगाया है तो पांच अच्छा नहीं लग रहा है, तीन ही रहने देती हूँ। तो देखिए तीन रहने दी हूँ और इसको थोड़ा आपको बड़ा कर लेना है, आप इसी तरीके से पोस्ट लगा सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने थोड़ा सा इस तरह बड़ा कर लिया है और यहाँ पे सेट हो गया है। तो देखिए क्लिक हेयर और यहाँ पे ऊपर
दिखा दी हूँ कि ऊपर यहाँ पे लिंक मिलेगा, मतलब अभी आप जब पोस्ट करेंगे तो अब आपको पता चलेगा अच्छा से। तो ये फिलहाल बन गया है, आप इसमें और भी डेकोरेशन करना चाहते तो आप कर सकते, जैसा आपको आप देखने में अच्छा लगे, जैसा आप बना सकते वैसा ही आप यहाँ पे इस तरह बना सकते हैं। तो इस तरह करने के बाद आपको यहाँ पे प्लस का जो भी आइकन है लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो प्लस है, उसका ठीक सामने देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे साइड में ये ऑप्शन मिलेगा, तो इसके आपको क्लिक करना है और यहाँ पे सेव एज प्रोजेक्ट और सेव एज इमेज लिखा हुआ है, तो सेव एज इमेज पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कस्टम करके दिखा रहा है और यहाँ पे साइड में एक ऑप्शन है डॉट का, तो डॉट पे आपको क्लिक करना है और इसको वेरी हाई कर देना है, मतलब कि वीडियो ये थंबनेल पूरा वेरी हाई देखने में लगे, मतलब कि कोई देखता है तो उसको क्लियरली ये दिखे, तो यहाँ पे वेरी हाई आपको हमेशा करना है, चाहे आप यूट्यूब के लिए बैनर बना रहे हैं, चाहे थंबनेल बना रहे हैं, चाहे कुछ भी बना रहे हैं, आपको यहाँ पे वेरी हाई करना है। उसके बाद सेव टू गैलरी कर देना है, उसके बाद ऐड आ जाएगा तो ऐड को आपको स्किप कर देना है। तो ये थंबनेल तो बन गया, अब बात करते हैं कि हम यहाँ पे अपना कम्युनिटी टैब पे पोस्ट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना यूट्यूब चैनल ओपन करना है, जो जिस भी आईडी से आपका यूट्यूब चैनल है उसको यहाँ पे ओपन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना लोगो पे क्लिक करना है, लोगो पे क्लिक करने के बाद आपका चैनल नेम आएगा और यहाँ पे योर चैनल करके एक ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपका चैनल इस तरह खुल के आ जाएगा, खुल के आने के बाद जैसे कि मैंने पहले बताया है होम आता है, वीडियोज आता है, उसके बाद ऐसे स्विप अप करेंगे तो प्लेलिस्ट आता है, उसके बाद यहाँ पे कम्युनिटी टैब आता है। तो यहीं पे आप कुछ भी जो भी आपको पोस्ट करना है कम्युनिटी टैब पे यहीं से पोस्ट करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये पोस्ट डाला था 2 वीक पहले, तो अभी मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे पोस्ट एंड अपडेट टू योर फैंस, तो आपको इसी पे इस तरह क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से क्या करना है कि अपना जो भी फोटो आप बनाए हैं उसको आपको यहाँ पे इस तरह सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह लिंक डालना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि फिर से आपको यहाँ पे बैक आना पड़ेगा, मतलब कि फिलहाल आप इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे अपना चैनल पे आना पड़ेगा, इस तरह चैनल पे आने के बाद आप जैसे कि मैंने पोस्ट बनाया, तो आपको 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद इसका लिंक आपको शेयर पे जाके कॉपी लिंक करना होगा। तो देखिए इसका लिंक कॉपी हो गया है। उसके बाद फिर से आपको अपना चैनल पे आके यहाँ पे कम्युनिटी टैब पे आके और यहाँ पे जैसे कि आपने फ़ोटो सेलेक्ट किया था, तो देखिए मैं फिर से यहाँ पे कॉपी ये फ़ोटो सेलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए लोड हो रहा है, आप यहाँ तक चाहे तो और भी इमेज डाल सकते हैं, अप टू यहाँ पे 5 पोस्ट यहाँ से डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक ही डाल रही हूँ क्योंकि यूट्यूब चैनल के लिए ये अपना थंबनेल डाली हूँ जो भी मैंने वीडियो बनाया था। तो आपको यहाँ पे राइट मैसेज लिखा हुआ है उसी पे ये लिंक इस तरफ पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद और आप कोई भी मैसेज देना चाहते हैं और भी कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो फिलहाल आपको इसी तरह लिंक यहाँ पे डाल देना है और उसके बाद आपको पोस्ट यहाँ पे है क्रिएट पोस्ट और साइड में पोस्ट करके ब्लू कलर में लिखा हुआ दिखेगा, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे ये पोस्ट आपको कम्युनिटी टैब में आ जाएगा। तो देखिए अब मैं इसको बैक जाती हूँ और फिर से अपना चैनल ओपन करके दिखाती हूँ। तो देखिए अब देखेंगे यहाँ पे जाके वीडियो प्लेलिस्ट कम्युनिटी, तो देखिए ये पोस्ट यहाँ पे हो गया है। तो देखिए 9 सेकेंड अगो ये आपका पोस्ट यहाँ पे डाल चुका है। आप जिनके पास ये पोस्ट जाएगा वो अगर इस लिंक पर क्लिक करता है तो वीडियो चढ़ने लगेगा। तो इसी तरह 1000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट करके कम्युनिटी टैब का ऑप्शन पा सकते हैं और यहाँ पे पोस्ट भी डाल सकते हैं और इससे अपना चैनल भी ग्रो कर सकते हैं। सारा कुछ आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कि आपको कम्युनिटी टैब कैसे मिलती है और यहाँ पे पोस्ट कैसे डाला जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में ये वीडियो आप शेयर भी कर सकते हैं ताकि जिनको कम्युनिटी टैब के बारे में नहीं पता है उनको इसके बारे में नॉलेज हो जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।